तो आज जो मेरे पास एक रियलमी का C3 मॉडल है और इसमें नई डिस्प्ले लगाने के बाद भी दोस्तों इसमें डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा, तो इस प्रॉब्लम को हम करेंगे सॉल्व। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार चालू करके। ठीक है, ये देखिए वाइब्रेट किया है दोस्तों और नई डिस्प्ले है। तो कस्टमर का कहना था डिस्प्ले टूटा हुआ भी था और नई डिस्प्ले भी कहीं लगाया तो लाइट नहीं आ रहा, तो मैंने भी नया डिस्प्ले लगाया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस पे ग्राफिक आ रहा, रियलमी लिखा हुआ आ रहा, लेकिन लाइट नहीं आ रहा। तो इस प्रॉब्लम को हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले जो है इस प्रॉब्लम में, इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या देखना है कि आपको देखना है कि कनेक्टर देखना है दोस्तों, कि कनेक्टर पे जो है आपका कनेक्टर सही है या नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले तो मेरा ओके ही होता है ज़्यादातर नई डिस्प्ले। तो हम कनेक्टर देख लेंगे। तो कनेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि दोस्तों कनेक्टर जो है मेरा टूटा हुआ लग रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट से प्रॉब्लम है या नहीं है, देखिए चौथे या पांचवें नंबर का यहाँ पे देखिए कि पॉइंट टूटा हुआ हल्का लग रहा है, लेकिन इससे यहाँ से प्रॉब्लम है कि नहीं, ये चीज़ जानेंगे। ठीक है, बाकी का सारा कनेक्टर साफ लग रहा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि हम बोर्ड को इसी तरह लगा लेंगे, और बोर्ड को लगाने के बाद जो है हम यहाँ पे डिस्प्ले को भी लगा लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले को लगाने के बाद हम यहाँ पे ये चेक करेंगे दोस्तों, इस पन्नी को निकाल के, इस पन्नी को निकालना है। ठीक है दोस्तों, और निकालने के बाद जो है हम यहाँ पे ये वाला जो लाइट का जो इसका पत्ता है, इसको भी हम निकाल देंगे। ठीक है, लाइट का पत्ता निकाल दिया है, और लाइट के पत्ते को निकालने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, रीडिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक पॉइंट को आपको बोर्ड के ग्राउंड पे रखना है रेड प्रोब को, और यहाँ से इस तरह से चेक करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में मेरा ग्राउंड बता रहा है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट पे ये वाला ए, जो ए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि एक ए का ट्रैक रहता है और दो के का ट्रैक रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ए वाला जो ट्रैक है, ये वाला जो ट्रैक है, इस पर आपका कुछ ना कुछ रीडिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ग्राउंड का साइन बना हुआ आ रहा है। हालांकि मुझे 100% श्योर हो गया कि ये जो है आगे से कोई ट्रैक कटा हुआ होगा, ठीक है, कनेक्टर से कटा हुआ हो या फिर डिस्प्ले से कटा हुआ हो, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए दोस्तों मैं इस तरह से, मेरे पास एक डिस्प्ले है, तो हम इस डिस्प्ले का लाइट खोल के और लगा के देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार डिस्प्ले लाइट को, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस तरह का डिस्प्ले लाइट को आपको लगाना है। तो ए और के जो है उसको आपको मिला लेना है, अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्ड करना है। तो मैं ये पुरानी टूटी हुई डिस्प्ले का, ये देखिए डिस्प्ले लाइट को सोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सोल्ड कर लिया, और सोल्ड करने के बाद हम देखते हैं कि इसका लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको मैं एक बार जो है पहले इसमें बैटरी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ऑन करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वाइब्रेट किया लेकिन लाइट नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका जो है लाइट, अंदर का जो LCD का लाइट है दोस्तों वो ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो लाइट का पत्ता है ये ठीक है, जो भी ये दिक्कत है ये ट्रैक से दिक्कत है। ठीक है, तो दोनों ट्रैक में मेरा बीप का साउंड आ रहा, मतलब ग्राउंड है वो, तो उसमें तो दिक्कत हो नहीं सकता है। तो फर्स्ट वाला ए वाला जो है उस वाले पॉइंट में प्रॉब्लम होगा, तो हम इसको फिर से सोल्व कर देंगे।
दोस्तों। और सोल्ड करने के बाद में आप लोग को अब क्या करना है कि आपको ये देखना है कि मेरा डिस्प्ले भी समझ लीजिए ओके दिखा रहा है। दो नंबर वाला जो है इसका जो है पॉजिटिव सप्लाई आता है, एक नंबर दो नंबर वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ से दो नंबर वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसमें पॉजिटिव सप्लाई मेरा आता है, एक लाइन आता है। तो हम उस पॉइंट पे रीडिंग चेक करेंगे कि जो है मेरा रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। तो हम उस पॉइंट पे रीडिंग चेक करते हैं दो नंबर पे, तो दो नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि सप्लाई से ही कहीं प्रॉब्लम है, कनेक्टर भी मेरा ओके है। तो इसका जो लाइट का सेक्शन दोस्तों यहाँ पे होता है, ये है इसका कॉइल, मैं आप लोगों को सामने से जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा जो कि इसको आना चाहिए। ये है इसका लाइट का कॉइल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर है इसमें आपको देखिए कि रीडिंग कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें रीडिंग आ गया तो आपका लाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा रीडिंग आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो नंबर ट्रैक में, ये दो नंबर पॉइंट में आप जंपर कर सकते हैं। और अगर ये जंपर आप नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब है बहुत बारीक है और मेरा कनेक्टर भी एक जगह टूटा हुआ था, हम यहाँ जंपर नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो हम डायरेक्ट जो है लाइट के ए वाले पॉइंट में जंपर करके देखेंगे कि मेरा जो है लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास न्यू डिस्प्ले, और हम एक जंपर वायर ले लेते हैं, से जंपर करते हैं, ठीक है, जंपर कर दिए। और जंपर करने के बाद हम डिस्प्ले को जैसे लगता है वैसे लगा देंगे, ठीक है। आप भीतर से वायर पार करिए, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को। और उसके बाद हम ये कैपेसिटर के इस साइड में लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ए पॉइंट से आपको इस कैपेसिटर के इस साइड में लगाना है, यहाँ पे लगाना है। और अभी हम देखेंगे कि इसका जो है लाइट मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अभी देख सकते हैं दोस्तों इसमें रियलमी लिखा हो गया, लाइट इसका आ गया, देखिए एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है, रियलमी लिखा हुआ आ रहा है, लाइट मेरा इसका आ गया है, ये देखिए दोस्तों। तो इस तरह से आप काम करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं। यही था इस वीडियो में, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।